नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन काग है। मोहन काग, कौन सा गांव है ये अपना? ग्राम सिल्ला है। ग्राम सिल्ला है, बड़भा से कितनी दूरी है ये? बड़भा से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो आप कितने साल से खेती कर रहे हैं सब्जियों की? खेती तो 20 साल से कर रहे हैं। सब्जियों की बहुत बढ़िया। अभी आपने पिछले सीजन में भी कुछ खाद में प्रयोग करा था क्या? हाँ, करा था ना। कौन सा खाद का प्रयोग करा था? ब्लू ग्रीन एग्री। अच्छा, ठीक है। तो इसका हम पूछना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट रहा आपका और क्या आपकी फसल के ऊपर एक्सपीरियंस रहा? इसका तो बहुत शानदार रिजल्ट रहा। मतलब ने चमत्कार। अच्छा, तो ये आपने कैसे यूज किया इसको? इसको क्या है कि 10 किलो गाय के गोबर में जी लाए, ताजा गोबर। हाँ, एक ड्रम में 100 लीटर ड्रम में। हाँ, इसको घोला घोला कम से कम 5 दिन रखा। बराबर 5 दिन बाद खेत के अंदर जहाँ नमी रहती है सब्जियों में, ड्रिप से चलाया होगा। तो उसके कितने दिन बाद इसका रिजल्ट आया? उसके 9 से 10 दिन बाद तो चमत्कार हो जाएगा आपकी जिस फसल में चलाते। क्या ऐसा 10 दिन पहले जो फसल थी, 10 दिन बाद जो फसल आई देखी, गजब गजब, बिल्कुल। आप तो आप फ्लावरिंग वगैरह 10 साल से 20 साल से जो खेती कर रहे हो उसमें अभी तक ऐसा कोई खाद का रिजल्ट देखा आपने? खाद ही देखा आज तक जो ये बराबर चलाने के बाद देखा मैंने। तो मतलब 1 एकड़ के अंदर किसान को चाहे तो खर्चा क्या होता है इसके अंदर? अगले सीजन में भी गिलकी में चलाया था जी, तो 10 दिन में उसका जो रिजल्ट आया था बिल्कुल देखने लायक था। बराबर, पाटला से पाटला 5-6 फीट का गाला मिल गया था, पूरा मिल गया था। और अभी भी चलाया तो रेले बहुत नीचे थे, और जब चलाने के बाद 10 दिन में तो उनको चला ऊपर रखना पड़ा। अच्छा, केमिकल अपन केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें ऐसा नहीं होता क्या? नहीं नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे यूरिया डीएपी डालते हैं तो उसमें नहीं होता नहीं, इतना फास्ट नहीं रिजल्ट आता। फास्ट रिजल्ट नहीं आता। तो आप इसे इस खाद से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। और अभी भी किसानों को बोलूंगा कि चलाना चाहिए। बराबर, डीएपी खाद को छोड़ो। बराबर, और ये चीज चलाओ। बहुत बढ़िया। तो और अभी अभी आप कितनी बार ये फिर से आपने लिया अभी? और अभी मैंने कम से कम 4-6 पैक लिए और लिए अभी। बहुत बढ़िया। और ये फसल जो अभी दी इसमें भी दिया हुआ है क्या? ये जो आप दिख रही है ये गिलकी में दिया हुआ है? दिया हुआ है बिल्कुल। थोड़ा सा बताएं आप आगे चल के क्या क्या दिख रही है इसमें थोड़ी सी ना। वाह वाह, फ्लावरिंग वगैरह बिल्कुल, मतलब सफाई है। और दूसरी ये आप पीछे खड़े हुए पूरा भरा गया पाटला, पूरा भरा गया और बिल्कुल क्वालिटी आ रही है। अच्छा, अब क्या चालू हुआ है माल? अभी एक बार टूटा है। हाँ हाँ, बाकी माल एक नंबर लगा हुआ है। अभी गिलकी लगने लग गई मतलब आपकी ये इतने दिन की फसल में आपने ये गौर करा कि मतलब ये अच्छा है, खाद काम करता है? मतलब एकड़ पीछे क्या खर्चा है किसान का? मतलब ये चेक पीछे कब से को 800-800 रुपये 700 रुपये है।